सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? जीत रहे हो ना, जीतना ही चाहिए। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में, नो इफ नो कैन ओनली रोहित द हिटमैन। तो अभी हम लोग कवर करेंगे जो WNBA का सेकंड मैच होने वाला है, लास वेगास एसेस वर्सेस फिनिक्स मर्क्यूरी के बीच में। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल को आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो गाइस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, और राइट साइड में नीचे जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस जरूर करना है, क्योंकि जो कुछ वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसमें आपको स्मॉल लीग के, ग्रैंड लीग के, लाइनअप के और इंजरी रेट सारी डिटेल्स मेरे यूट्यूब के वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के लिए आपको सिर्फ करना है क्या है, सब्सक्राइब चैनल को और बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले जैसे ही वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है रोहित द हिटमैन, ठीक है? क्योंकि लास्ट मिनट में लाइनअप में जो कुछ चेंजेस होते हैं या कोई इंजरी रिपोर्ट आती है या फिर जो मेरी फाइनल टीम होती है लाइनअप के बाद, वो मैं टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे आपको प्रोवाइड करूँगा। सीधा बात करते हैं स्टैट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लास वेगास एसेस का, ठीक है? स्टार्टिंग लाइनअप में थे यंग, स्टोक्स, विल्सन, रिक्विना, विलियमसन, ग्रे। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, यंग 28 मिनट्स में 10.7 रिबाउंड, 4 असिस्ट, 1 स्टील। स्टोक्स 24 मिनट्स में 2.4 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 1 स्टील। गाइस मोस्ट प्रोबेबली स्टोक्स आज बेंच से भी खेल सकती है, ठीक है? कैम्बेज जो इंजर्ड थी वो लास्ट मैच में कमबैक किए, तो मोस्ट प्रोबेबली स्टोक्स की जगह आपको कैम्बेज भी स्टार्ट करते हुए दिख सकती है। विल्सन 24 मिनट्स 8.6 रिबाउंड, 1 असिस्ट। रिक्विना विलियमसन 22 मिनट्स में 13 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 1 स्टील। ग्रे 18 मिनट्स 12 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 स्टील। ब्लम 26 मिनट्स में 23 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 स्टील। हैम्बी 24 मिनट्स 12.4 रिबाउंड। डेस्टिनी स्लोकुम 13 मिनट्स 2 रिबाउंड। पीजीसू 11 मिनट्स में 1 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 2 ब्लॉक। और लास्ट में है कैम्बेज है 4 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 1 स्टील। तो ये परफॉर्मेंस था लास वेगास एसेस का। अभी बात करेंगे फिनिक्स मर्क्यूरी की, 80-85 से विन करके आई है। स्टार्टिंग लाइनअप में थी डिगिन स्मिथ, ग्राइनर, टर्नर, टौरासी, नर्स। परफॉर्मेंस देखेंगे, डिगिन स्मिथ 43 मिनट्स 20.7 रिबाउंड, 6 असिस्ट, 2 ब्लॉक, 2 स्टील्स। ग्राइनर 41 मिनट्स में 23.16 रिबाउंड, 4 असिस्ट, 2 ब्लॉक्स। ब्रियाना टर्नर 33 मिनट्स 12 पॉइंट्स, 12 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 3 ब्लॉक, 1 स्टील। डोना टौरासी 33 मिनट्स में 14 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 5 असिस्ट, 1 स्टील। किया नर्स 28 मिनट्स में 12 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 1 असिस्ट। पेरी 21 मिनट्स 2 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 4 स्टील। किया वॉन 16 मिनट्स 4 पॉइंट्स। बाद में सोफी कनिंगम 9 मिनट्स में 3 रिबाउंड, 1 ब्लॉक। तो ये परफॉर्मेंस था फिनिक्स मर्क्यूरी के लिए। अभी हम बात करेंगे जो प्रोबेबल टीम का कॉम्बिनेशन होने वाला है मेरा ये मैच के लिए। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले शेक पेड़ी को मैंने यहाँ से ट्राई करा है फिनिक्स मर्क्यूरी से, बाद में डियाना टौरासी को, ठीक है? उसके बाद में शूटिंग गार्ड सेक्शन से रिक्विना विलियमसन, केल्सी प्लम को मैंने पिक किया है। डिगिन स्मिथ 19 क्रेडिट अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आपके टीम में ज़रूर पिक कर सकते हो। SF सेक्शन से मैंने पिक किया है किया नर्स को। जे यंग आपको स्टार्ट करते हुए दिख जाएगी, अगर आप क्रेडिट मैनेज कर सकते हो तो आप अपने टीम में इसको ज़रूर पिक कर सकते हो, ठीक है? सेम फॉर हैम्बी जो आपको बेंच से खेलते हुए दिख जाएगी। PF सेक्शन से मैंने पिक किया है अजा विल्सन को, ठीक है? टर्नर भी आपके लिए अच्छे पिक है, लेकिन क्रेडिट हाई उनके कारण मैंने उसको अपने टीम में पिक नहीं किया है। बाद में एलाना स्मिथ और एम एकोटी दोनों भी आज का मैच नहीं खेलेंगे। सेंटर सेक्शन से मैंने पिक किया है ब्रेटनी ग्रैनर को और किया वॉन को, ठीक है? अगर किया स्टोक्स स्टार्ट करती है तो वॉन की जगह मैं स्टोक्स को लूँगा। फिलहाल के लिए किया वॉन को मैंने मेरे टीम में लिया, तो ये मेरा प्रोबेबल कॉम्बिनेशन है। सेफ SP रहने वाली है ग्राइनर और PP मेरी होने वाली है विल्सन। तो गाइस ये मेरी प्रोबेबल टीम है। लाइनअप के बाद जो कुछ चेंजेस आते हैं वो सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, डू योर बेस्ट, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।